साथियों, धनकौर नगर पंचायत गौतम बुद्ध नगर की नगर पंचायत है और धनकौर नगरी द्रोणाचार्य नगरी कही जाती है, महाभारत कालीन नगरी कही जाती है। यहाँ पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। यहाँ पर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर जी, MLC नरेंद्र भाटी जी, विधायक धीरेन्द्र जी और भाजपा की पूरी टीम जुटी और यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने भी मेहनत की। उनमें से एक हैं सुल्तान नागर जी। सुल्तान नागर जी वरिष्ठ समाज सेवी हैं और भाजपा से भी जुड़े हैं। सुल्तान जी, यहाँ पहली बार जीत हुई है धनकौर में भारतीय जनता पार्टी की और दोबारा चेयरमैन बनी है। जय सिंह जी की पत्नी हैं राजवती जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो द्रोण की भूमि है और द्रोण की भूमि के साथ साथ ये बाबा लुत्फुल्ला शाह की भी भूमि है और ये कस्बा बड़ा अमन चैन का कस्बा रहा है। कस्बे ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है कि अगर BJP की सरकार और BJP का चेयरमैन नहीं बनाया तो कस्बे धनकौर का विकास नहीं होगा। उसको मानते हुए सबने, पूरे कस्बे ने, BJP वालों ने भी और पूरे कस्बे के लोगों ने और हमारे जो प्रतिनिधि आए सारे, सुरेंद्र नागर जी, धीरेंद्र ठाकुर जी और हमारे महेश शर्मा जी, नरेंद्र भाटी जी, सबका बड़ा सहयोग रहा कस्बे में और हमारे सारे BJP के कार्यकर्ताओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हालांकि कुछ लोग उसमें जो BJP में नए लोग कुछ आए उन्होंने कुछ दूसरी तरफ भी रुझान रखा। सबका परिणाम बहुत अच्छा रहा और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, माननीय विधायक जी भी कह के गए हैं, सांसद जी भी कह के गए हैं कि धनकौर को ओपन जिम देने का काम करेंगे और एक नया पार्क देने का काम करेंगे और खुशहाली लाएंगे। और जहाँ तक चेयरमैनी का सवाल है, चेयरमैनी बहुत अच्छी चलेगी कस्बे में और विकास की गंगा बहेगी क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है और इसे कोई रोक नहीं पाएगा। और हर बार यह चेयरमैनी भी और विधायकी भी और सांसदी भी BJP की ही लहर रहेगी और BJP आप जैसी पार्टी नहीं है, इससे अलग किसी पार्टी का मत भी नहीं बनता है क्योंकि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं सब जातिगत की राजनीति करती हैं, भेदभाव की राजनीति करती है। सिर्फ BJP एक वो पार्टी है जो सर्वदल सबका विकास करती है और सुनिश्चित करके दिखा दिया है करोड़ों लोगों को अनाज देने का, करोड़ों लोगों का सहयोग करने का और भयमुक्त और गुंडा मुक्त करने का जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने संकल्प लिया है, उससे आज इतनी बड़ी छवि बन चुकी है कि आज हमारी माताएं, बहनें, बच्चे सब बेखौफ घूमते हैं और अगर कोई नहीं घूमता तो बदमाश नहीं घूमते, वो घरों में दुबके हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा प्रदेश बाबा के साथ है और अगली बार भी बाबा की ही सरकार सुनिश्चित हो।